वेलकम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एप्पल वॉच का क्लोन, यानी कि एप्पल वॉच का क्लोन। ये एकदम एप्पल वॉच अल्ट्रा के जैसा क्लोन है। इसका नाम है एप्पल वॉच एट अल्ट्रा। ये दिखने में एकदम एप्पल वॉच देखे जैसे लगती है, और मैं स्ट्रैप्स भी लाया हूँ कुछ। ये है एप्पल वॉच अल्ट्रा का बॉक्स। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हमने ये खोल दिया है, और इसमें सबसे पहले निकलता है इसका ये स्ट्रैप, जो कि एकदम दिखने में एप्पल वॉच अल्ट्रा के जैसे ही लगेगा। और यहाँ पे इस वॉच का है बॉक्स। चलिए पहले स्ट्रैप तो खोलते हैं। स्ट्रैप है एकदम एप्पल वॉच के जैसा, वो भी ब्लैक कलर में। अब है इसकी बारी। इस डब्बे में पहले निकलता है इसका ये मेन्यू कार्ड, और फिर चार्जर इसका एकदम एप्पल वॉच के चार्जर जैसा, और फिर आती है अल्ट्रा एट, यानी कि इसका डुप्लीकेट, एप्पल वॉच अल्ट्रा का डुप्लीकेट। चलिए इसको खोलते हैं, और ये दिखने में एकदम एप्पल वॉच अल्ट्रा के जैसे ही है। इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम एप्पल वॉच अल्ट्रा के जैसे ही है, लेकिन ये टाइटेनियम फ्रेम का नहीं है। एप्पल वॉच में टाइटेनियम फ्रेम है, लेकिन इसमें नहीं है। इसके बटन्स, स्क्रॉलिंग बटन्स, सब एक जैसे हैं। इसका यहाँ पर पावर बटन, इसका स्पीकर एकदम एप्पल वॉच के जैसा ही है, और पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं। ये है इसका स्ट्रैप, जो कि है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। मैंने कोई अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप्स मंगवाए थे अलग से। ये एप्पल वॉच के स्ट्रैप नहीं है, ये अलग स्ट्रैप है। एप्पल वॉच के स्ट्रैप असली में 10,000 तक के आते हैं। ये मैंने दो कलर में मंगवाए हैं, ग्रीन और ऑरेंज। इस ऑरेंज वाले को लगा के देखते हैं। ये एकदम आसानी से लग भी जाता है, और इसमें कुछ अटकता नहीं। अब ये एकदम एप्पल वॉच के जैसी लगती है, एप्पल वॉच का क्लोन। इसको चालू करते हैं तो एप्पल वॉच का लोगो भी आता है, और इसमें सारे वॉच फेसेस है वो एप्पल वॉच के ही है। ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ आती है। इसका डिस्प्ले 1.9 इंचेस का है, वो भी अलग अलग वॉच फेसेस के साथ। ये मेरे पास एक एप्पल वॉच है, जो कि एकदम अब आप इसके फीचर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। इसमें यहाँ पर हार्ट रेट, कैलोरी, स्टेप्स, इसमें हार्ट रेट, SpO2, BPM, और इसमें ये वापस वॉच फेसेस, और इधर की तरफ स्वाइप करने पर ये आपने जो भी रिसेंट ऐप यूज़ किए वो, और बटन दबाने पर ये इसका मेन्यू आ जाता है, जो कि हनीकॉम मेन्यू है। आप चाहे इसका मेन्यू भी बदल सकते हैं। इसका टच डिस्प्ले रिस्पॉन्स भी एकदम सही है, और इसकी थीम भी आप चेंज कर सकते हैं। मेन्यू की थीम इसमें 9 तरह की मेन्यू थीम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐप इसमें हैं। तो चलो मैं इसको पहन लेता हूँ। ये मैंने इसको पहन लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये कैसी लग रही है।
अब मैं इसकी मॉनिटरिंग चेक करूंगा कि ये एकदम सही बताती है या नहीं। दोस्तों ये सही नहीं बता रही है, ये बहुत गलत बता रही है। आप इसका यूज मॉनिटरिंग में बिल्कुल मत करिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।